तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्री फायर को इंटरनल स्टोरेज से, मतलब कि फोन के इंटरनल स्टोरेज से एसडी कार्ड पर ट्रांसफर कैसे करते हैं। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ फ्री फायर को एसडी कार्ड पर ट्रांसफर करने की। अगर आप फ्री फायर को लो डीएस पर खेलते हो, आपका फोन जो है बहुत लैग होने लगता है, हैंग होने लगता है, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये सबसे बेस्ट ट्रिक होता है, मतलब कि फ्री फायर को इंटरनल स्टोरेज से एसडी कार्ड पर ट्रांसफर कर देना। तो गाइस, अगर आपको भी फ्री फायर को एसडी कार्ड पर ट्रांसफर करना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा एसडी कार्ड पर ट्रांसफर करने के फायदे क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है, एंड आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नया रहो तो वीडियो का लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स सी गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस, हम वीडियो में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्री फायर के कितने फाइल होते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि ट्रांसफर कैसे करने हैं, क्योंकि जब तक आप जानोगे ही नहीं फाइल क्या होता है, फ्री फायर का किस किस टाइप का फाइल होता है, उसके बाद आपको ट्रांसफर कैसे करना है ये प्रोसेस आपको समझ ही नहीं आएगा। तो पहले हम जान लेते हैं फ्री फायर के फाइल कितने प्रकार के होता है एंड वो ट्रांसफर किस टाइप से हो जाता है। तो देखिए, चाहे कोई भी बंदा फ्री फायर खेल रहा हो तो यहाँ पर सबसे पहले अपने फोन का फाइल मैनेजर ओपन करना। फाइल मैनेजर आपको पता ही होगा। तो देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपने एसडी कार्ड लगाया है तो एसडी कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने एसडी कार्ड का नहीं लगाया है तो एसडी कार्ड का नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज का आ जाएगा। तो दो ऑप्शन आना चाहिए अगर आपने एसडी कार्ड लगा रखा है। अगर एसडी कार्ड नहीं लगाओगे तो यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज बस का आएगा। तो यहाँ पर अभी मैंने एसडी कार्ड नहीं लगा रखा है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल से इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको एंड्रॉइड का फोल्डर देखने को मिल जाएगा। तो एंड्रॉइड में जाना है एंड यहाँ पर आपको ओबीबी में चले जाना है। ओबीबी फाइल यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिंपल से फ्री फायर डीटीएस वाला एक फाइल रहेगा, उस पर आपको चले जाना है एंड यहाँ पर आपको फ्री फायर का एक बहुत बड़ा फाइल देखने को मिल जाएगा। तो काफी सारे फ्री फायर के नए नए बंदे होते हैं, उनको पता नहीं होता ये फाइल क्या होता है। तो ये होता है फ्री फायर का ओबीबी फाइल, मतलब पबजी वगैरह कोई भी गेम को आप डाउनलोड करोगे तो उसका पहले एक ओबीबी फाइल रहता है एंड उसका एप्लीकेशन रहता है, एप्लीकेशन जो अपने फोन में इंस्टॉल करके रखते हो। अगर आप इसको डिलीट कर देते हो, फ्री फायर का एप्लीकेशन तो इंस्टॉल रहेगा, लेकिन अगर आप उसको क्लिक करके ओपन करोगे तो वहां पर कुछ भी ओपन नहीं होगा, डाउनलोड फिर से होने लगेगा, अंदर में डाउनलोड रिसोर्स का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो देखिए, अब अगर आप इसको ट्रांसफर करके एसडी कार्ड में डालते हो, मतलब कि काफी सारे बंदे क्या करते हैं कि इसको मतलब कॉपी करेंगे और एसडी कार्ड में जाकर पेस्ट कर देते हैं, एसडी कार्ड में जाकर पेस्ट कर देंगे, वहां पर भी फ्री फायर डीटीएस वाला बना देंगे और वहाँ पर भी एक ओबीबी फाइल बना देंगे, मतलब क्रिएट कर लेते हैं। अगर क्रिएट करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी फ्री फायर चल जाता है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं जाता। अगर आप फ्री फायर डीटीएस वाला एक फाइल बनाओगे, जैसे कि यहाँ पर भी आप फाइल देख सकते हो, यहाँ पर फ्री फायर डीटीएस ही ऑटोमेटिकली बनता है, मतलब कि इस फाइल को आपको बनाना नहीं पड़ता, फ्री फायर एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पर ये फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो अगर आप इसको फिर से बनाते हो, मतलब इसको फाइल को डिलीट करते हो, फिर से यहाँ पर फ्री फायर डीटीएस लिखते हो और इसी फाइल को फिर से इसके अंदर डालते हो, तब भी फ्री फायर ओपन हो जाएगा, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होता। तो इस फाइल को वहाँ पर भी कॉपी पेस्ट करके पूरा मतलब सेटअप कर देते हैं। वहाँ पर एंड्रॉइड वाले ऑप्शन में जाओगे एसडी कार्ड में तो वहाँ पर भी आपको ओबीबी फाइल देखने को मिल जाएगा और वहाँ पर आप फ्री फायर डीटीएस में जाकर आपका जो बड़ा वाला ओबीबी फाइल रहेगा वो वहाँ पर डाल देते हैं। तो ऐसे करके काफी सारे बंदे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मैं आपको बता दूं, ऐसे में ट्रांसफर नहीं होता। यस गाइस, काफी सारे बंदे ऐसे ट्राई करते हैं इसमें ट्रांसफर करने का, क्योंकि ये जो ट्रांसफर का जो फीचर रहता है ना, वो कुछ कुछ फोन में रहता है, किसी किसी फोन में नहीं रहता। मतलब कि अभी यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर मेरे में ऑप्शन ही नहीं आ रहा है क्योंकि मैं एसडी कार्ड लगाया नहीं हूँ। तो अगर आपको ट्रांसफर करना है तो फोन में एक अलग सा फीचर रहता है, उसी के हिसाब से आप ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं तो आपका जो फ्री फायर है वो सिर्फ फोन का स्टोरेज को ही, मतलब फोन की स्टोरेज बस को ही रीड करता है और एसडी कार्ड रहता है उसको रीड नहीं करता, मतलब उस देखता ही नहीं उसको। तो आपका जो बड़ा वाला फायर रहेगा वो एसडी कार्ड में जाने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो मैं दो तीन बार ट्राई करके देखा था, मेरे से ऐसा नहीं हुआ। तो अगर आप ट्रांसफर करने का सही ट्रिक जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले फोन के सेटिंग पर जाना है एंड यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट या फिर सी एल एप्स ऐसा कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे में ऐप मैनेजमेंट है तो मैं ऐप मैनेजमेंट पर जाऊँगा। अगर आपको ऐसे में नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो को देखो, अभी मैं आपको और भी ऑप्शन बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको चले जाना है, फिर यहाँ पर आपको फ्री फायर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको फोर स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता होगा, वो है गाइस मूव टू एसडी कार्ड, ऐसा कुछ ऑप्शन आता है मूव टू एसडी कार्ड। अगर आपने एसडी कार्ड लगा रखा है तो वहाँ पर आ जाएगा मूव टू एसडी कार्ड। अगर वैसा ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वैसा फीचर आपके फोन पर नहीं है। उसके बाद गाइस आप मूव टू एसडी कार्ड को क्लिक करोगे तो वहाँ पर जो फ्री फायर का बड़ा वाला फाइल रहता है वो जाकर एसडी कार्ड में चला जाता है, मतलब एसडी कार्ड में चला जाता है। उसके बाद आपका जो हैंग वैंग लेग ये सब मतलब कम हो जाता है। अब ये कम क्यों होता है वो भी जान लो, क्योंकि यार देखो, अगर इंटरनल स्टोरेज में डाला रहोगे कोई बड़े वाले फाइल को तो वहाँ पर जब फ्री फायर का एप्लीकेशन जब रन करेगा तो वहाँ पर जो भी डाटा रहता है उसको रीड करता है, बार बार उसको चेक करते रहता है, क्योंकि कनेक्ट रहता है ना उसमें, मतलब कि दोनों फाइल रहता है वो जुड़ा रहता है। तो वैसे में गाइस आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वहाँ पर लोड पड़ता है जब ओबीबी फाइल वहाँ पर चलता है। तो वहाँ पर देखिए, अगर आप उसको एसडी कार्ड में डाल देते हो तो एसडी कार्ड में उतना दिक्कत नहीं जाता, क्योंकि एसडी कार्ड एक फिजिकल अलग से लगाना पड़ता है और इंटरनल स्टोरेज आपके फोन का जो क्षमता रहता है, आपका जो फोन का स्पीड रहता है, वो मतलब वो प्रदर्शित करते हैं एक तरीके से। क्योंकि अगर
अगर उसको ज़्यादा भर दोगे ना तो वहाँ पर वो हैंग लैग ये सब होने लगता है, तो वैसे में आपका रैम वगैरह ये सब भी कम रहता है। तो अभी हम जान लेते हैं इसके फायदे के बारे में। तो फायदा तो बहुत मतलब बहुत ही बड़ा है यार, आपका फोन जो है लैग होना कम हो जाएगा, आपका फोन हैंग वगैरह नहीं होगा, ये सब बहुत सारे फायदे हैं। तो अगर आपने फ्री फायर को एसडी कार्ड पर ट्रांसफर नहीं किया है तो जरूर कर लो, क्योंकि इससे आपका जो लैग वैग है ये सब कम हो जाएगा। अगर आपका फोन लैग हो रहा है तो ट्रांसफर जरूर कर लेना। तो अभी कैसे आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फ्री फायर को कैसे ट्रांसफर करना है, क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या फायदे हैं नुकसान है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको और भी ऐसे अच्छे अच्छे फ्री फायर से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स सी, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।